अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्राउंड रियल्टर्स। व्यूवर्स, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए चार मरला ब्रांड न्यू हाउस लेके आया हूँ जो अवेलेबल है सेल के लिए। घर की जितनी भी डिटेल्स है जिसमें हम इस व्यूवर्स घर के लोकेशन को डिस्कस करेंगे, इसका एक्सटीरियर और इनसाइड लेआउट जो है वो भी जाके देखेंगे और साथ साथ घर की डिमांड को भी डिस्कस करेंगे। तमाम तर जो डिटेल्स है इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर होंगी। वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। करंटली व्यूवर्स, वक्त मैं इस खूबसूरत चार मरला ब्रांड न्यू हाउस के फिज़िकल लोकेशन पर मौजूद हूँ। बात करें सबसे पहले इसके घर के एरिया की लोकेशन की, तो ये खूबसूरत घर व्यूवर्स CDS सेक्टर G14 में लोकेटेड है। इसका आपको मैं स्ट्रीट व्यू दे देता हूँ, काफ़ी खूबसूरत एक इसके जो है नीट एंड क्लीन जो है आपको स्ट्रीट मिलेगी। राइट लेफ्ट पे जो है लोकेलिटी जो है वो फुली लोडेड है। यहाँ पर जितने भी घर हैं वो जो है ना प्लॉट्स हैं वो कोई यहाँ पे आपको विकट नहीं मिलेगा। राइट लेफ्ट पे भी घर के जो है वो घर देख सकते हैं आप सामने। घर का अगर एलिवेशन आप देखेंगे तो व्यूवर्स एलिवेशन को जो है काफ़ी सिंपल रखा गया है। इस पर रॉक वॉल का यूज़ हुआ है, साथ ही साथ जो वाइट वॉश है वो थ्रू आउट आपको मिलेगा। बाहर जो है एज़ पर G14 के जो बाई लॉज हैं आपको जो है इसका गेट थोड़ा आपको ज़रा बाहर की तरफ मिलेगा। सीधे हाथ पे राइट साइड पे यहाँ पे कार पार्किंग स्पेस जो है ये भी है, ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और अगर मैं पार्किंग रैंप पे बात करूँ तो टफ टाइल का काम हुआ है। गेट वर्क आप देख सकते हैं, गेट वर्क आपको फ्रंट पे जो है गाड़ी आपको पार्क करनी तो मेन गेट वर्क जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर जस्ट आपको इन आउट के लिए यूज़ करना तो आप ये छोटा गेट जो है वो आप यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, घर के अंदर जो है वो पानी जो है वो मौजूद है, बिजली आप सामने मीटर भी देख सकते हैं, मीटर भी लगे हुए हैं, और यहाँ पे एरिया में गैस मौजूद है। घर चूँकि ब्रांड न्यू है, यहाँ पे आपको गैस जो है खुद लगानी पड़ेगी। बोरिंग भी मौजूद है सामने, आप आउटर कंसोल्स देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी कार पार्किंग स्पेस है, इसीलिए यहाँ पर जो है दो गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। और फर्दर बात करूँ तो कार पार्किंग स्पेस पे फ्लोरिंग पे इन्होंने जो है यहाँ पे थोड़ा ज़रा एब्स्ट्रैक्ट जो टाइल वर्क का काम किया हुआ है। ये राइट साइड पे जी ये गैलरी है इसकी, फ्रंट गैलरी जहाँ पे वाटर टैंक एरिया और बाकी जो आपको बोरिंग कंसोल्स वगैरह वो मिल जाएंगे। बात करूँ व्यूवर्स घर की एंट्रेंस की, तो सामने जो है बिल्कुल ये ग्रैंड एंट्रेंस है। राइट साइड पे ड्राइंग रूम की एक्सेस है, लेफ्ट साइड पर जो है ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस है। चूँकि एक प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है, दोनों यूनिट्स जो हैं उनको एंट्रेंस जो है वो सेपरेट दी गई है। ड्राइंग रूम से हम एक्सेस लेंगे, अंदर गार्ड जो है वो लेटे हुए हैं, वो मज़ीद हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इजीली यहाँ पे हम स्टेप इन होते हैं। ये जी इसका ड्राइंग रूम की स्पेस है, ओरिजिनल ड्राइंग रूम। आप सीलिंग का काम देखें तो खूबसूरत जो है यहाँ पे ब्लैक और वाइट कलर का कंट्रास्ट जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। वार्म लाइट का यूज़ हुआ है, वेंटिलेशन विंडो आपको अवेलेबल मिलेगी। और साथ साथ अगर आप वुड वर्क की बात करें तो वुड वर्क जो घर के अंदर है वो अच्छी क्वालिटी का वुड जो है वो यूज़ हुआ है। मेहमानों के लिए भी जी व्यूवर्स यहाँ पे एक इन्होंने वॉशरूम दिया हुआ है साथ में, आप ये भी देख लें। ये वॉशरूम की स्पेस है, टू टोन कलर में टाइल वर्क का काम हुआ है। लेफ्ट साइड पर मिरर वर्क आप देख लें, वेंटी दी हुई है, इस तरह आपको इंग्लिश में बोर्ड जो है वो मिल जाएगा। जैसे ही व्यूअर्स हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे ये मेन टीवी लाउंज की स्पेस है। टीवी लाउंज पर आप देख सकते हैं वाइट कलर की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग जो है वो यूज़ हुई हुई है। सामने वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो अवेलेबल है। घर के इन साइड पर स्टेयर्स दी हुई हैं, यहाँ से भी आप जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं और इसी तरफ बाहर से भी जो है आप एंट्री ले सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर व्यूअर्स ड्राइंग रूम को निकाल के यहाँ पे आपको एक मास्टर बेड मिल जाएगा। सामने इसका मास्टर बेड है, मास्टर बेड के अंदर आप देखेंगे तो सीलिंग का काम बड़ा ही खूबसूरत सीलिंग का काम हुआ हुआ है। और साथ ही साथ जो है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो अवेलेबल है। राइट साइड पे जो है व्यूअर्स ये ड्रेसिंग कबर्ड है जो कि सीलिंग तक एक्सटेंड हुई है। सेम टाइल फ्लोरिंग यहाँ पर ट्रेवल कर रही है। एक्सट्रीम राइट साइड पर यहाँ पर आपको वॉलपेपर जो है वो मिल जाएगा। आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ, ये जी इसका वॉशरूम है। घर के अंदर व्यूअर्स कलर सिमेट्रिक काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगी। मोस्टली घर के अंदर ब्लैक ग्रे और वाइट कलर जो है उसको यूज़ किया गया है, जो कि आपको पेंट में भी नज़र आएगा और साथ ही साथ घर की और भी जितनी भी फिटिंग्स है उनमें आपको सेम कलर यूज़ होते हुए नज़र आएगा। घर का किचन दिखाता हूँ व्यूअर्स, मुझे पर्सनली किचन काफ़ी अच्छा लगा है। चार मरले के हिसाब से बड़े ही खूबसूरत इन्होंने मिनी मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन किया हुआ है। लोअर कैबिनेट्स देखें, अच्छी शेल्फ्स यूज़ की गई हैं। यहाँ पर जो है ओवन की स्पेस भी दी गई है। अपर कैबिनेट्स भी आप देखेंगे तो काउंटर टॉप जेट ब्लैक कलर का मार्बल कैबिनेट भी यूज़ किया गया है। HM की रेंज हुड यूज़ की गई है, सिग्नेचर कंपनी का यहाँ पे जो है रेंज हुड दिया हुआ है, इसी तरह HM का बर्नर दिया हुआ है। आप इसके अपर कैबिनेट्स भी देख लें, साथ में वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो अवेलेबल है और साथ में सिक्योरिटी ग्रिलिंग जो है वो भी इंस्टॉल की गई है। ये डोर व्यूअर्स सामने आपको बैक गैलरी की एक्सेस दिया गया, जहाँ पर आपको 5 फुट की गली मिलेगी जो कि आप लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ तक मेरे इस घर के ग्राउंड फ्लोर का विजिट कंप्लीट हो चुका है, मैं डायरेक्टली मूव करूँगा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर के आप स्टेयर केस पर नज़र डालेंगे तो खूबसूरत जेट ब्लैक कलर का मार्बल के नाइट जो है इसके स्टेप्स पे अप्लाई किया गया है। स्टेनलेस स्टील की ग्रिलिंग्स जो है वो हुई हुई हैं। ये जी आपको मेन इसकी फर्स्ट फ्लोर की टीवी लाउंज की स्पेस। टीवी लाउंज पे आप देखेंगे वॉलपेपर का यूज़ किया गया लेफ्ट साइड पे। सामने वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो अवेलेबल है, सिक्योरिटी ग्रिलिंग हुई हुई है। आपको 2 फुट की फ्रंट गैलरी मिलेगी जिसको इस डोर के जरिए से आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का ग्रिलिंग का काम हुआ है, साथ में टेम्पर्ड ग्लास जो है वो यूज़ हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जी तो यहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग जो है वो इसके फर्स्ट फ्लोर में हुई हुई है थ्रू आउट। सीलिंग को जो है यहाँ पे सिंपल रखा गया है। फर्स्ट फ्लोर में अगर एकोमोडेशन की बात करूँ तो आपको 2 बेड्स मिल जाएंगे। राइट साइड पर बेड फर्स्ट है फर्स्ट फ्लोर का, घर के अंदर ये सेकेंड बेड हो जाएगा। वेंटिलेशन विंडो अवेलेबल है। वॉलपेपर जो है वो आप देख सकते हैं यूज़ किया गया है। सीलिंग अच्छी डिज़ाइन की गई है। सेम जो है फ्लोरिंग मार्बल की आप ट्रैवल करिए। लेफ्ट साइड पे आपको कबर्ड मिलेगी, उसी तरह आपको अटैच वॉशरूम जो है वो साथ में मिल जाएगा। आपको जी सेकंड बेड दिखाता हूँ क्विकली, उसके बाद मैं किचन दिखाने के बाद डायरेक्टली मूव करूँगा फर्स्ट रूफटॉप की तरफ जहाँ पे इस घर के डिमांड को हम डिस्कस करेंगे। ये जी इसका लास्ट बेड है। वॉशरूम दिखा देते हैं आपको। किचन भी देख लें आप इसके फर्स्ट फ्लोर का, काफ़ी नीट एंड क्लीन खूबसूरत किचन जो यूज़ किया गया। अलबत्ता यहाँ पे जो फ्लोरिंग है वो वुड टेक्सचर के साथ जो है फिनिश हुई हुई है। अपर कैबिनेट्स, रेंज हुड, बर्नर देख लें आप, लोअर कैबिनेट्स देख लें। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी मिलेगा और विंडो भी वेंटिलेशन के लिए मिल जाएगी। तो व्यूअर्स यहाँ से अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ रूफटॉप की तरफ और घर के डिमांड वगैरह को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेयरकेस जो है सेम ट्रेवल करिए रूफटॉप की तरफ ही। व्यूअर्स रूफटॉप की तरफ अनफॉर्चुनेटली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ऊपर ज़रा कुछ वो फ़िलहाल अभी डोर जो है वो लॉक हुआ है। बाकी ये है कि डिमांड को डायरेक्टली हम डिस्कस कर लेते हैं। व्यूअर्स ये 4 मरले का मकान है। डायमेंशन जो है कि 25-40 इसकी बनती है, 25 फ्रंट है, 40 इसकी डेप्थ बन रही है। और डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो 3 करोड़ 30 लाख इसकी डिमांड है। नेगोशिएशन इसमें फ़र्दर हो जाएगी। और बाकी ये है कि घर के की फीचर्स मैं रिपीट कर देता हूँ। 4 मरले पे घर कंस्ट्रक्ट हुआ है। G14 में जो है ये घर लोकेटेड है। घर के अंदर पानी, बिजली, ये चीज़ें मौजूद हैं। और गैस नया घर है, मीटर आपको खुद लगाना पड़ेगा। प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है। A+ कंस्ट्रक्शन जो है घर के अंदर हुई हुई है, जो कि आपने इनसाइड से भी देख ली और बाहर से आपको फ्रंट एलिवेशन पर वो चीज़ असर आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना, तब तक अल्लाह हाफिज़।